हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जिसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाकर के साइट को देखिए वहाँ पर आप लोगों को इस पीडीएफ इसकी पीडीएफ मिलेगी सिर्फ इसकी ही नहीं बाकी के सारे करंट अफेयर्स की सीक्वेंस में पीडीएफ डी डली हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट है जाकर के की डाउनलोड कीजिए और आराम से पढ़िए ठीक है और अगर वीडियोस देखनी है बाकी की तो सीक्वेंस से डली हुई हैं सारी प्ले अलग अलग बनी हुई है मंथली ठीक है और एक और बात है कि मंथली कंपाइलेशन अगर आपको चाहिए क्विक रिविज़न के लिए एग्ज़ाम से पहले तो वो भी आ, प्लेलिस्ट बनी हुई है नवंबर की करंट अफेयर्स भी डल चुकी है तो वो आप देख सकते हो जा करके के ओके चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक है हाल ही में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है वेरी इंटरेस्टिंग ठीक है तो छियासी सेंटीमीटर की बढ़ोतरी जो है उसमें दर्ज की गई है ठीक है हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई ठीक है जो है आठ हजार आठ सौ अड़तालीस दशमलव आठ छः मीटर घोषित की है यह नई ऊंचाई पिछली माप से छियासी सेंटीमीटर अधिक है ठीक है अब अधिक है तो पुरानी जानना जरूरी है पुरानी है आठ हज़ार आठ सौ अड़तालीस मीटर की ऊंचाई जो कि वर्ष उन्नीस सौ चौवन में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई माप के अनुसार थी ठीक है तो आई थिंक इसे सभी को पता होगी लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है ठीक है माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है अगर हम माउंट एवरेस्ट की यहाँ पर बात करते हैं तो एक दो लाइन इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है तो मैप जरूर चेक कीजिए ठीक है मैप में देखना माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और चीन में माउंट किली मन एक सेकेंड माउंट कोल कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है ये ये इम्पोर्टेंट है ये वाले जो पॉइंट है ना ये एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है चीन में इस नाम से जाना जाता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये सिर्फ इससे ही नहीं नदियों के नाम से भी बनते हैं ये क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए एक नदी है जो कई राज्यों से या फिर कई सारी कंट्रीज से आ रही है तो उसमें पूछा जाता है कि यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है ठीक है तो ऐसी चीजों का आप याद रखिए इसका अंग्रेजी नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा था एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है उसके बाद माउंट केटू समुद्र तल से 8611 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है बहुत बार इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए रट्टाफिकेशन मत करिए अच्छे तरीके से इसको समझिए मैप में देखिए तो आपको याद हो जाएगा नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर की धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया है तो सबसे पहले तो इसको याद रखना ठीक है कि किस सूची की बात हो रही है ओके तो ये शामिल किया है ग्वालियर एंड ओरछा इन दोनों को ही शामिल किया गया है ओके मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को अपनी अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया है ठीक है इसके तहत अब यूनेस्को के विश्व विशेषज्ञों द्वारा इन शहरों के विकास के लिए सर्वोत्तम उपाय सुझाए जाएंगे यानी कि किस तरीके से जो है उनका प्रोग उनको प्रोग्रेस किया जा सकता है ठीक है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है यहाँ पर ये आज मैंने इसको लिख दिया है लेकिन अभी इससे पिछले ही करंट अफेयर्स में आ, मेरे को डेट याद नहीं है दो तीन दिन पहले की ही बात होगी मैंने यूनेस्को को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था वहाँ पे ठीक है यह शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है यूनेस्को का जो मुख्यालय की अगर बात करते तो वो पेर, पेरिस में है ओके नेक्स्ट डब्ल्यू एच ओ फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है किसको किया है तो अनिल सोनी को ओके okay. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारतीय मूल के वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को डब्ल्यू फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेस ने कोरोना महामारी के दौर में वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए डब्ल्यू फाउंडेशन नाम से एक स्वतंत्र संस्था के गठन की घोषणा की थी ठीक है डब्ल्यू एच ओ फाउंडेशन का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता समेत वित्त के सॉरी वित्त के गैर परम्परागत स्रोतों के वित्त एकत्रित करना है ठीक है uh, सॉरी स्रोतों से वित्त एकत्रित करना है ताकि महामारी के दौरान वित्त पोषित पोषण की कमी की समस्या को समाप्त किया जा सके यह संस्था कानूनी तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग है और इसका मुख्यालय जिनेवा में ही स्थित है तो ये चीज याद रखना कि डब्ल्यू एच यह अलग है ओके इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि अनिल सोनी को बनाया गया है और एक और खास बात यहाँ पर थी हाँ ये याद रखना ये क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से कि इसके मुख्य कौन है ठीक है नेक्स्ट है कई कई बार अध्यक्ष पूछ ले जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ ले जाते हैं ठीक है और एक स्थापना भी पूछी जाती है कि वो कब एस्टेब्लिश हुई थी ठीक है सो so, इन चीज़ों को याद रखिए नेक्स्ट है हमारे जो पेड़ वाले बच्चे हैं उनको तो हमने अलग से एक पीडीएफ भी दी थी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं या फिर काफ़ी सारे संगठन हैं तो उनकी आ, क्या क्या उनके बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वो अच्छे से एक पीडीएफ दी गई थी जहाँ तक मेरे को याद है ठीक है तो पेड़ वाले बच्चों के पास तो होगी वो पी सो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस का आयोजन कब किया जाता है ओके okay? तो यह किया जाता है नौ दिसंबर को ओके प्रत्येक वर्ष नौ दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस का आयोजन किया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इकतीस अक्टूबर दो हजार तीन को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया था यह कन्वेंशन दिसंबर दो में लागू हुआ था सॉरी दो हजार पाँच में लागू हुआ था ठीक है तो डे याद रखना कि कब से जो है सॉरी कब मनाया जाता है एंड सेकेंड थिंग कि ये कब से इसको स्टार्ट किया गया है ओके okay? नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसको हाल ही में एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो देखिए ये घोषित किया गया लक्षद्वीप को ओके केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है भागीदारी गारंटी प्रणाली जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया है इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था ओके किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है डिपार्टमेंट का नाम याद रखना पूछ लिया जाता है ओके लक्षद्वीप सौ प्रतिशत ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है फैक्ट फैक्टर जहां सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां पूर्णतः सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती हैं इससे पहले वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100 प्रतिशत जैविक राज्य बना था ठीक है जैविक कृषि वह निधि वह विधि है जिसमें सिंथेटिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता या न्यूनतम प्रयोग किया जाता है यानी कि वैसे उसका प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन अगर किया जाना है तो बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है ये इंटरेस्टिंग फैक्टर इसको याद रखना कि जैविक कृषि होती क्या है ठीक है जिसमें सिंथेटिक जो उर्वरक होते हैं या फिर जो कीटनाशक होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है नेक्स्ट हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ये रखा गया है दसवें स्थान पर ओके okay? सो सात दिसंबर को ये जो है जारी हुई है इंडेक्स जिसमें दो हज़ार इक्कीस के लिए भारत का दसवां स्थान है इसमें भारत का कुल स्कोर जो है वो सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन एट रहा है स्टेटमेंट के थ्रू इसको पूछ लिया जाता है तो ये मत सोचना कि स्कोर नहीं पूछा जाएगा केवल रैंक ही पूछी जाएगी तो हम तो रैंक ही रट के रहेंगे ऐसा नहीं है कई बार स्कोर पूछ ले जाते हैं ठीक है इस सूचकांक में पिछले सात भारत आ, पिछले साल भारत को जो है नौवा स्थान मिला था ठीक है सूचकांक में ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात हो रही है स्वीडन जो है वो चौथे स्थान पर, आ, पर स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम पाँचवें स्थान पर है डेनमार्क छठवें स्थान पर है और मोरक्को सातवें स्थान पर है नॉर्वे आठवें पर है चिली नौवें स्थान पर है ठीक है ये शीर्ष देश हैं ठीक है जलवायु आप लोग तीन तो याद रखना ही रख ठीक है क्योंकि सारे तो नहीं याद हो पाएंगे तीन याद रखना कोई ऊपर के ठीक है कोई क्या मतलब जो हैं तीन वही जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच क्लाइमेट आ, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है एज एन स्टेटमेंट वहाँ पर ये पूछा जा चुका है ठीक है इस सूचकांक में रैंकिंग का निर्धारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा उपयोग व जलवायु नीति के आधार पर किया जाता है ठीक है तो इसमें तो सारे ही जो पॉइंट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं तो इस पूरे को बहुत अच्छे से याद रखना नेक्स्ट है हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है तो इसका उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है ठीक है वर्चुअल होगा ये तो सभी को पता है दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसकी थीम क्या है ठीक है तो थीम है इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल हिंदी में बात करती हूँ तो समावेशी नवाचार स्मार्ट सुरक्षित स्थाई ये इसकी थीम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार तो विभाग और सेलुलर अपार्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है ठीक है एक ये याद रखना थोड़ा सा तो ध्यान में कि किसने किया है नेक्स्ट है हाल ही में किसे 2020 के पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर किताब से नवाजा गया है तो दो को नवाजा गया है एक तो यूलिमर रोहास को और मोंडो डुप्लांटिस को जो है नवाजा गया है ठीक है इट मीन्स सी इज करेक्ट स्वीडिश पोल सॉरी स्वीडिश पोल वॉल्टर मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर यूलिमर रोहास को वर्ष 2020 के 20 के लिए जो है इन दोनों को 20 के पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है दोनों के नाम याद रखना है। ठीक है ये पूछा जा सकता है सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है इस करंट अफ़ेयर्स की वीडियो में दस दिसंबर के हैं ओके okay? और इसके बाद मिलते हैं कल की वीडियो में कल के करंट अफेयर्स के साथ ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो